पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं थाना मांडा के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत प्राथमिक विद्यालय भरारी द्वितीय की। इस प्राथमिक विद्यालय के मुख्य द्वार के सामने ही भरारी राजापुर बाईपास मार्ग है। यह बाईपास मार्ग हाल ही में चौड़ीकरण हुआ है और इसी तिराहे से होकर पूरे भरारी के पानी की नाली द्वारा निकासी है। रोड बनते समय ही ठेकेदार ने उसी तिराहे से नाली को बंद कर दिया था और तब से उस नाली का सारा गंदा पानी विद्यालय में जा रहा था। कुछ ही दिन में पूरे विद्यालय परिसर में पानी भर गया। ठेकेदार की लापरवाही के चलते इस ठंड में बच्चों को कमरे के अंदर ही बैठना पड़ रहा है। मजबूर होकर अध्यापक ने बच्चों से उस नाली के पानी का मुंह रोड की तरफ मोड़ दिया। जब रोड पर पानी जाने लगा तब राहगीरों को परेशानी होने लगी तो राहगीरों ने इसकी शिकायत ठेकेदार से की तो ठेकेदार ने कहा कि कुछ दिन की बात और है, इसके बाद रोड के बाद ग्राम प्रधान द्वारा नाली भी बन जाएगी। लेकिन रोड बनने के बाद भी लगभग 50 मीटर तक ना ही रोड बना है और ना ही बनी नाली। ग्रामीणों ने फिर से ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार ने कहा कि अब हमारा काम खत्म हो गया है, अब जो कार्य बचा हुआ है वो हमारा कार्य नहीं है, जिसका है वो करेगा, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब आगे देखना यह है कि योगी सरकार में यह कार्य कब तक पूरा होगा और कब तक ठेकेदार लोग मनमानी करते रहेंगे।